कोई भी बाइक परचेस करते हो सो आप लोगों को मिल जाएगा कैश 2000 का डिस्काउंट, इसके साथ आप लोगों को मिल जाएगा एक हेलमेट फ्री। वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल नाइट वॉकर। सो आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो प्रेफर होने वाला एक बाइक के ऊपर, एक बाइक का आज हम डिटेल में रिव्यू करेंगे। सो सबसे पहले बाइक को दिखाते हैं, कौन सा वाला बाइक का मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ, इसके साथ बाइक में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, इसके साथ कौन सा प्राइस रेंज में बाइक में मिलते हैं, सब कुछ बताएंगे आप लोगों को। सबसे पहले बाइक को देखिए आप लोग। सो हेयर इज़ द बाइक, बजाज पल्सर N150, ब्रांड न्यू बजाज का एक प्रोडक्ट। सो बाइक को आप लोग देखिए, जो व्हाइट कलर है वो डेफिनेटली बाइक का जो लुक्स है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है। जो व्हाइट कलर है, एक हाईलाइटेड कलर हम लोग कह सकते हैं इसको। एंड बाइक का डिज़ाइन देखिए आप लोग, बजाज का जो N160 आता है उसी डिज़ाइन में हमें मिलता है, सिर्फ N160 का एक छोटा वर्जन हम लोग इसको कह सकते हैं। एंड स्पेशल थैंक्स हॉक ऑटोमोबाइल विधाननगर बजाज फॉर हेल्पिंग मी आउट। बजाज के रिलेटेड कोई भी क्वारीज हो और आप लोग मेरा वीडियो विधाननगर एंड सिलीगुड़ी के आसपास से देख रहे हो सो आप लोग डेफिनेटली विजिट कीजिए हॉक ऑटोमोबाइल विधाननगर बजाज। एंड इस बाइक के रिलेटेड कोई भी क्वारीज हो सो अभी डिस्प्ले पे नंबर आ चुका होगा, आप लोग उस नंबर पे फ़ोन करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। इजी फाइनेंस यहाँ पर मिल जाएगा, इसके साथ कैश में भी आप लोग बाइक ले सकते हो। एंड फिलहाल अभी शोरूम पे ऑफर चल रहा है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल अभी बाइक को देखिए आप लोग, बाइक में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो बताएंगे सबसे पहले, देन क्या ऑफर मिलता है इस बाइक के साथ वो बताएंगे। सबसे पहले आज हम लोग शुरू करेंगे इसका प्राइसिंग से, देखेंगे कौन सा प्राइसिंग में बाइक हमें मिलता है, उसके बाद इसमें क्या क्या फीचर्स मिलता है वो बताएंगे। बजाज पल्सर N150 2023 में जो बजाज ने हम लोग का नया एक प्रोडक्ट बजाज ने हम लोग को डिलीवर किया है, इसका प्राइसिंग हमें मिलता है 1,18,883 रुपीस इसका एक शोरूम प्राइस। एंड ऑन रोड में एक बाइक हमें मिल जाएगा 1,42,537 रुपीस। हर स्टेट हर सिटी में इसका ऑन रोड प्राइसिंग में थोड़ा सा डिफरेंसेस हमें देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग अपना अपना सिटी अपना अपना स्टेट में इसका ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हो तो नीचे मुझे कमेंट्स करो, या अभी डिस्प्ले पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ चुका होगा, आप लोग वहाँ पर डायरेक्टली जाके मुझे DM भी कर सकते हो। सो फिलहाल शुरू करेंगे अभी इसका वॉक अराउंड एंड डिटेल में रिव्यू करेंगे। सबसे पहले अगर लुक्स की बात करें तो डेफिनेटली जो N160 एंड N250 आता है सेम वही डिज़ाइन में हमें देखने को मिल जाएगा, सिर्फ इसमें कुछ फीचर्स एंड इंजन में थोड़ा सा हमें कम सीसी का इंजन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड डिज़ाइन में तो कोई भी ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगा, एक एग्रेसिव डिज़ाइन हमें देखने को मिल जाएगा, एक एरोडायनामिक डिज़ाइन हमें मिलता है। एंड जो कलर आप लोग देख रहे हो, एक कलर है पेरेल मेटेलिक वाइट, इसके अलावा भी इबोनी ब्लैक कलर में देखने को मिल जाएगा, दो कलर ऑप्शन के साथ ये बाइक हमें देखने को मिलता है। सो फिलहाल अभी शुरू करते हैं इसका डिटेल में रिव्यू। फ्रंट का जो सस्पेंशन है हमें मिलता है 31mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, सिंगल चैनल ABS के साथ ये बाइक हमें देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में 260mm डिस्क ब्रेक हमें यहाँ पर मिल जाएगा, इसके साथ ट्विन पिस्टन कैलिपर्स हमें देखने को मिलते हैं, सिंगल चैनल ABS के साथ ये बाइक हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी आप लोग यहाँ पर ABS का रिंग देख सकते हो, पीछे हमें कोई भी ABS नहीं मिलता है, पीछे हम लोग को ड्रम ब्रेक मिलेगा, उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। इसके साथ फ्रंट का जो टायर्स हमें मिलता है 90x90 17 inches का MRF का ट्यूबलेस टायर्स हमें देखने को मिल जाएगा। सस्पेंशन में हमें यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलता है। एंड फ्रंट मडगार्ड का जो कलर है वो हमें व्हाइट के ऊपर हमें यहाँ पर ग्रे कलर का स्टिकर मिल जाएगा। बाकी बैक पोर्शन में हमें यहाँ पर ब्लैक कलर का मडगार्ड हमें देखने को मिलता है। टैंक का जो काउल है व्हाइट के ऊपर हमें यहाँ पर ग्रे एंड रेड का स्टिकर वर्क देखने को मिलता है। यहाँ पर पल्सर का बैजिंग हमें देखने को मिल जाएगा, क्रोम फिनिश के साथ 3D में पल्सर का बैजिंग देखने को मिलता है। एक प्रीमियम प्रोडक्ट बजाज ने हम लोग को प्रोवाइड किया है। बाकी हेडलाइट का पोजीशन आप लोग देखिए, हमें यहाँ पर बाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलाइट देखने को मिल जाएगा, हमें यहाँ पर LED DRLs देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर हमें रेड एंड ग्रे कलर का स्टिकर वर्क देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर फ्रंट का नंबर प्लेट हैंगर देखने को मिलता है, बल्ब के साथ हमें टर्न सिग्नल लाइट देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर देखिए एक डॉटेड फिनिश हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड ब्लैक कलर में हमें मिल जाएगा वाइडर रियर व्यू मिरर्स, सिंगल हॉर्न के साथ ये बाइक हमें मिलता है। बाकी यहाँ पर छोटा सा क्रैश गार्ड देखने को मिल जाएगा, एग्जॉस्ट के लिए हमें यहाँ पर छोटा सा गार्ड मिलता है, यहाँ पर मिल जाएगा कैथलेटिक कन्वर्टर। एंड जो इंजन बैश प्लेट है वो हमें व्हाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में देखने को मिलता है, व्हाइट में हमें यहाँ पर ग्रे एंड रेड का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। एंड इस बाइक का इंजन देखिए, इंजन में हमें यहाँ पर किक स्टार्ट मिलता है, इसके साथ सेल्फ स्टार्ट मिल जाएगा स्टैंडर्ड। बाकी इंजन में हमें यहाँ पर बजाज का बैजिंग देखने को मिलता है। एंड जो इंजन है, इंजन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो हमें मिलता है 149.68 cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक टू वेल्व
एयर कूलेड BS6 कंप्लाइंट E20 बेस इंजन हमें देखने को मिल जाएगा। हम लोग बहुत इजीली E20 जो फ्यूल है उसको डाल के भी बहुत अच्छे से राइड कर पाएंगे। एंड इसका जो राइड क्वालिटी है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्मूथ हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी इस इंजन के अगर पावर आउटपुट की बात करें तो हम लोगों को मिलता है 14.5 PS मैक्स पावर एट 8500 RPM। इसके साथ 13.5 Nm का मैक्स टॉर्क हमें देखने को मिल जाएगा 6000 RPM पर। बाकी 5-speed गियरबॉक्स हमें देखने को मिल जाएगा इस बाइक में। सो इंजन के हिसाब से देखें तो 150cc में बहुत ही ज़्यादा अच्छा पावरफुल इंजन हमें देखने को मिल जाएगा। एंड अगर इसका माइलेज की बात करें तो 45 to 50 डेफिनेटली हम लोग इस बाइक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी साइड में हमें यहाँ पर कार्बन फाइबर टेक्सचर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर सिल्वर कलर का फिनिश देखने को मिलता है। एंड नीचे हमें सेंटर स्टैंड एंड साइड स्टैंड दोनों स्टैंड देखने को मिल जाएगा। अंडर वैली एग्जॉस्ट हमें देखने को मिलता है, इसका एग्जॉस्ट नोट आगे हम लोग चेक करेंगे। एंड पीछे हमें बॉक्स टाइप स्विंग आर्म देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर मिलता है पिलियन फुट पेक्स, यहाँ पर एक लॉक मैकेनिज्म हमें देखने को मिलता है। बाकी रियर का जो टायर्स हमें मिलता है 120x80x17 inches का MRF का ट्यूबलेस टायर्स। रियर में हमें ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलता है, 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा। एंड एलॉयज की एजेस में हमें यहाँ पर रेड एंड सिल्वर कलर का स्टिकर वर्क देखने को मिल जाएगा। बाकी हमें यहाँ पर एक टायर हगर मिलता है, इसका क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बढ़िया क्वालिटी का टायर हगर हमें देखने को मिल जाएगा। एंड सीट हमें सिंगल सीट बाइक देखने को मिलता है। बाकी हमें यहाँ पर N150 का बैजिंग देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर रेड एंड ग्रे कलर का स्टिकर वर्क देखने को मिल जाएगा। सो टेल पोर्शन में हमें यहाँ पर मिलता है सिंगल गैब्रियल्स देखने को मिलता है। एंड जो टेल लाइट है वो सिग्नेचर N250 एंड N160 वाला ही टेल लाइट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फुल LED टेल लाइट हमें मिलता है, यहाँ पर मिल जाएगा बल्ब के साथ टर्न सिग्नल लाइट, नंबर प्लेट लाइट हमें यहाँ पर मिल जाएगा, रियर नंबर प्लेट हैंगर। एंड लेट में हमें यहाँ पर मिलता है शाड़ी गार्ड, जो शाड़ी गार्ड का जो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का शाड़ी गार्ड हमें यहाँ पर मिलता है। लेडीज़ फुटरेस्ट, इसके साथ पिलियन फुटरेस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी साइड स्टैंड हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, एंड साइड स्टैंड में साइड स्टैंड इंजन कटअप स्विच भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मिलता है ब्रेक लीवर्स, सॉरी गियर लीवर्स हमें यहाँ पर मिल जाएगा सिल्वर कलर के साथ, 5-speed गियर लीवर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड जो चेन सेट है वो हमें ओपन ड्राइव चेन सेट मिल जाएगा, एवरी 500 and 700 किलोमीटर्स के बीच जो चेन है वो हमें थोड़ा सा वॉश एंड लुब्रिकेट करना पड़ता है। सो अभी देखते हैं इस बाइक का डायमेंशन। से पहले इसका ग्राउंड क्लियरेंस हमें मिलता है 165mm, जो कि एक अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस हमें देखने को मिल जाएगा। एंड सीटेड हम लोग को मिल जाएगा 790mm का सीट हाइट, जो एवरेज सीट हाइट हम लोग कह सकते हैं, शॉर्ट राइडर्स के लिए उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। बाकी इस बाइक का जो कर्व वेट है वो हम लोग को मिलता है 145 kg इसका कर्व वेट। इसके साथ जो फ्यूल टैंक है वो हम लोग को मिलता है 14 लीटर्स का फ्यूल टैंक। एंड फ्यूल टैंक का जो डिज़ाइन है एक मस्कुलर सा डिज़ाइन हमें देखने को मिल जाएगा, वाइट कलर का फ्यूल टैंक मिलता है इसके ऊपर, सिल्वर एंड जो फ्यूल कैप है वो भी हमें सिल्वर फिनिश के साथ देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर क्रोम फिनिश के साथ 3D में पल्सर का बैजिंग देखने को मिलता है। एंड टैंक में हमें यहाँ पर USB मोबाइल चार्जर भी देखने को मिल जाएगा, जो पल्सर N160 है सेम वही डिज़ाइन में हमें देखने को मिलता है, सिर्फ इसका जो इंजन है एक छोटा इंजन हमें देखने को मिल जाएगा। एंड जो इसका जो हैंडल बार है हमें सिंगल ट्यूबुलर हैंडल बार देखने को मिलता है। एंड इसका जो पोजीशन है वो अपराइट पोजीशन होने वाला है, यहाँ पर ब्लैक कलर का क्लच लीवर्स एंड ब्लैक कलर का फ्रंट ब्रेक लीवर्स हमें देखने को मिलता है। एंड स्विचेस की क्वालिटी की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर पास का स्विच, यहाँ पर हाई बीम टर्न सिग्नल का स्विच एंड यहाँ पर हॉर्न का स्विच मिलता है। बाकी राइट में हमें यहाँ पर रेड कलर में इंजन किल स्विच एंड सिल्क का बटन हमें देखने को मिल जाएगा। स्विचेस का जो क्वालिटी है डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का स्विच हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड जो स्विच है स्विच में ये जो पैटर्न्स है पैटर्न्स में हमें यहाँ पर लाइट देखने को मिलता है, जो नाइट राइड में एक अच्छा खासा फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है। बाकी इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है वो हमें सेम N160 वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड इसका जो की का डिज़ाइन है देखिए सेम पल्सर N160 वाला ही की हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सो अभी देखेंगे इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल वहाँ पर क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलता है। हमें यहाँ पर सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाएगा, जो RPM मीटर है वो हमें यहाँ पर एनालॉग में देखने को मिलता है, यानी यहाँ पर हमें छोटा सा डिजिटल सेक्शन देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर बहुत सारा सिम्बल्स हमें मिलता है, लो बैटरी का सिम्बल, साइड स्टैंड डाउन, FI का सिम्बल, टर्न सिग्नल का लाइट हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ABS का लाइट, RPM लिमिट लाइट और न्यूट्रल का लाइट हमें यहाँ पर मिलता है। एंड जो डिजिटल वाला सेक्शन है यहाँ पर हमें सबसे पहले गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाएगा, इसके साथ स्पीडोमीटर, क्लॉक,
फ्यूल गेज हमें यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर हमें ट्रिप वन ट्रिप टू ऑटो देखने को मिलता है, एंड द बटन्स हमें मिल जाएगा मोड के बटन से हम लोग ट्रिप वन ट्रिप टू ऑटो एंड डिस्टेंस टू एमटी पे स्विच कर पाएंगे। एंड जो सेड वाला जो बटन है इसके मदद से हम लोग इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी में स्विच कर सकते हैं। एंड ट्रिप वन ट्रिप टू दोनों ही ट्रिप मीटर्स में हमें एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी भी देखने को मिल जाएगा, मतलब राइड करते करते भाई कितना का माइलेज हमें दे रहा है वो भी बताएगा इंस्टेंट। सो बाइक का आप लोग ने अच्छे से एक डिटेल में वॉक अराउंड एंड जो डिटेल रिव्यू था वो मैं दिखा दिया आप लोगों को। एंड इसका जो प्राइसिंग है वो फिर से दोहराता हूँ आप लोगों को, एक शोरूम में 118,883 रुपीज़ इसका एक शोरूम प्राइस हमें मिलता है, एंड ऑन रोड में 142,537 रुपीज़ इसका ऑन रोड विधाननगर का जो शोरूम है इसका प्राइस हमें मिलता है। हर सिटी एंड हर स्टेट में इसका ऑन रोड प्राइसिंग में हमें थोड़ा सा डिफरेंसेस देखने को मिल जाएगा। बाकी आप लोग फ्रंट का जो एलोएस है, एलोएस का डिज़ाइन देखिए, हमें थोड़ा सा क्रॉस पैटर्न में देखने को मिल जाएगा। बाकी हमें यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स मिलता है, यहाँ पर ABS का बैजिंग हमें देखने को मिलता है, एंड जो इंजन है इंजन में हमें यहाँ पर बजाज का बैजिंग एंड जो गियर पैटर्न है उसका बैजिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड मेरे सामने जो कलर आप लोग देख रहे हो वो है वाइट कलर, मेटेलिक वाइट, एंड यहाँ पर देखिए इबोनिक ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है। दोनों ही कलर ऑप्शन के साथ बजाज पल्सर N150 अभी हमें देखने को मिल जाएगा। सो इस बाइक का डिटेल में वॉक अराउंड वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट से बताइए। एंड अभी आते हैं जो अभी जो फेस्टिवल का जो महीना चल रहा है इसीलिए अभी क्या ऑफर चल रहा है उसके बारे में अभी आप लोग बात करेंगे, कौन सा प्राइस रेंज में बाइक अभी आप लोगों को मिलेगा, इसके साथ क्या क्या ऑफर्स चल रहा है वो भी बताएंगे आप लोगों को। सो अभी हम लोग चेक करेंगे इसका एग्जॉस्ट नोट, सुनेंगे कैसा एग्जॉस्ट नोट बजाज हम लोग को प्रोवाइड करता है। जो एग्जॉस्ट है वो हमें अंडर वैली मिलता है, ब्लैक कलर का एग्जॉस्ट मिल जाएगा, एंड यहाँ पर हमें छोटा सा पोस्टर सिल्वर कलर में देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें एक छोटा सा टायर हगर मिल जाएगा ब्लैक कलर में। जितना भी प्लास्टिक पार्ट बजाज ने हम लोगों को प्रोवाइड किया इस बाइक के साथ, प्लास्टिक का क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, आप लोग टैंक काउल देख लीजिए, वाला जो काउल है उसका भी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, एंड स्पेशली जो कलर कॉम्बिनेशन के साथ बजाज ने हम लोगों को प्रोवाइड किया है, जो ब्लैक इबोनिक ब्लैक कलर था ये वाला जो कलर वो पहले से ही बहुत ज़्यादा अच्छा एक ट्रेंडिंग सा कलर था, लेकिन अभी जो व्हाइट कलर में प्रोवाइड किया है वो डेफिनेटली अपने आप में एक बहुत ज़्यादा अच्छा लुक्स प्रोवाइड करते हैं इस बाइक को। फिलहाल अभी एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं आप लोगों को। लोगों ने सुन लिया इसका एग्जॉस्ट नोट, बहुत ज़्यादा रिफाइन एंड बेसिक एग्जॉस्ट नोट हमें सुनने को मिलता है, एंड जो बाइक है बाइक को आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए। सो इस बाइक का कौन सा फीचर्स आप लोग अच्छा लगा मुझे कमेंट्स में बताइए, एंड बाइक का स्पेशली जो बाइक है एंड जो प्राइस रेंज में हमें देखने को मिलता है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक इम्प्रेसिव प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। 142,000 में इससे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट अभी मार्केट पर हमें देखने को नहीं मिलेगा, एंड जो पावर के साथ आता है बाइक डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। तो फिलहाल अभी बात करते जो ऑफ़र हमें मिलता है हॉक ऑटोमोबाइल से उसके बारे में, अगर आप लोग जो अक्टूबर का जो महीना है अक्टूबर 31 अक्टूबर तक हॉक ऑटोमोबाइल से कोई भी बजाज का प्रोडक्ट परचेस करते हो, कोई भी बाइक परचेस करते हो, सो आप लोगों को मिल जाएगा कैश 2000 का डिस्काउंट, इसके साथ आप लोगों को मिल जाएगा एक हेलमेट फ्री, सो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अगर आप लोग ये वाला बाइक परचेस करते हो 142,000 का बाइक है तो 140,000 में आप लोगों को मिल जाएगा, इसके साथ आप लोग को एक एक्स्ट्रा हेलमेट भी मिल जाएगा, लेकिन ऑफ़र जो है वो वैलिड है 31 अक्टूबर तक। सो आप लोग बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, पहुंच जाइए अपना नियरेस्ट बजाज शोरूम हॉक ऑटोमोबाइल, डिस्क्रिप्शन में शोरूम का कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा, इसके साथ डिस्प्ले पे अभी शोरूम का नंबर आ चुका होगा, आप लोग डायरेक्टली इस नंबर पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। सो इस वीडियो को एंड करते यहाँ पर होप कर रहा हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, एंड इस बाइक में कौन सा फीचर्स आप लोग को ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट्स में बताइए। सो आप लोगों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।